भाई ये बहुत ठंडी है और मैं अभी हूँ चंडीगढ़ में और एक बार निकला हूँ भारत भ्रमण। इस बार मेरा संकल्प है कि 20,000 किलोमीटर की जर्नी मेरी इस बार होने वाली है और इतनी ठंडी है कि मैं मेरे सोचने के बाहर की ये ठंडी, मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख रहे हो। और मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि इतना ठंड होगा यहाँ पर, इसलिए मैंने स्वेटर वगैरह कुछ नहीं लाया। ऐसे ही ये जो स्पोर्ट्स वियर है रेगुलर मेरा, वो पहन के मैं निकल पड़ा था। और जानबूझकर मैं इस बार ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, पहले कभी ट्रेन में इतना लंबा सफ़र नहीं किया है मैंने। तो एक ट्रेन का सफ़र भी क्या होता है ये मैं देख रहा हूँ। पिछले अभी डेढ़ दिन तो हो गया है, मतलब 30-35 घंटे हो गए हैं कि मैं ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ और अभी पहुँचा हूँ चंडीगढ़ में। यहाँ से फिर जम्मू, फिर लद्दाख, लद्दाख से फिर और बहुत सारे राज्य हैं वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। और एक ही कार्य को लेकर मैं बचपन से या मेरा जो भी अभी फिटनेस जर्नी है 15-20 सालों से मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जिस फील्ड में मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, वो है फिटनेस, हेल्थ और आरोग्य। इसके प्रति सत्यता क्या है, ट्रुथ क्या है, ये मेरे मन में बार बार द्वंद होता ही रहता है कि आरोग्य इस क्षेत्र में और क्या सीखा जाए और क्या पहचाना जाए और लोगों के सामने वो रखा जाए। जैसे कि हम देखते हैं हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार शुरू है। ये फिटनेस इंडस्ट्री सबसे बड़ी आरोग्य संपत्ति से कहा जाता है, तो इसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार मैं देखता हूँ। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि सत्य क्या है और असली आरोग्य की पहचान क्या है, इसको ही जानने मैं इतने बड़ा रिस्क या चैलेंज या जिद, डिवोशन, डेडिकेशन, इस चारों पांचों वर्ड्स को मिलाकर जो कुछ भी कह सकते हो इसे आप कह सकते हो, मैं तो कहूँगा कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये फिटनेस, हेल्थ और आरोग्य के बिना। और मेरा यही कामना है कि सत्य आरोग्य मैं गोस्लिम के मेंबर्स, सभी मेरे शहरवासी जो हैं उनके सामने लाकर आऊं और सबको आरोग्य से भरपूर कर दूं। चलो अभी सभी गोस्लिम मेंबर को भी मेरा ये कहना है कि मैं अब फिर भले ही मैं बाहर हूँ लेकिन आप सभी को मैं देख रहा हूँ, सभी तरफ सीसीटीवी कैमराज है और मैं यहाँ बैठकर देख सकता हूँ आपको। अभी ठंड का वातावरण है, आप देख सकते हो मेरी नाक भी लाल हो चुकी है, मैं हाथ भी थर 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 कांप रहे हैं और मैं मेरा शर्ट का जो ये जर्किन का जो जिप है वो भी पकड़ कर नहीं लगा पा रहा हूँ, इतनी ठंडी है। और इस ठंडी में कुछ वार्म अप हो जाए, ब्लड मेरा स्टक ना हो जाए, रुक ना जाए, तो थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज किया कि आपको भी समझ आए कि ऐसे सिचुएशन में हम खुद को कैसे संभाल सकते हैं, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का संचार किस तरीके से हम कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको देने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे और अगले वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।